अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद सौरभ। आज मैं बनाने जा रही हूँ शकर का शरबत। बहुत ठंडा होता है और बहुत मज़े का होता है। शकर मैंने दो पियानियाँ शकर की ली हैं, या ये वाले दो बड़े कप शकर के ले लें, ये वाले मैंने दो बड़े कप शकर के लिए हैं। और ये मैं शकर इसके अंदर डाल दी है। हतीरा गोंद और तुख्म लगे दो दो टेबल स्पून, मैंने टू टेबल स्पून हतीरा गोंद और तुख्म लगों के टू टू टेबल स्पून लिए हैं। इसको मैंने भिगो दिया था 4 से 5 घंटे के लिए, इसको भिगो दें। और ये देखें, ये मैंने सारी इसके अंदर डाल दी है। जब ये फूल जाएंगी तो इसको हमने इसके अंदर डाल देना है शक्कर को, और इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि शक्कर इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसका शरबत बहुत अच्छा बनता है, बहुत ठंडा होता है। रमज़ान में आप ज़रूर घर में बनाएं। अक्सर रोज़ों में इस तरह होता है कि ज़बान पे या मुँह में छाले निकल आते हैं, तो ये शरबत आप ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे ये छाले जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसके अंदर मैंने 2 लीटर पानी डाल दिया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर मैं बर्फ डालूंगी, बर्फ तोड़ के डाल दूंगी, इसको खूब अच्छी तरह से ठंडा करके पीना है। इसको खूब अच्छी तरह से मैंने ठंडा कर लिया है। अब मैं इसको ग्लासों में डाल के आपको दिखाती हूँ। आप भी इसी रेसिपी में घर में बनाएं और बच्चों को दें, बड़ों को दें, जो मुँह में छाले निकलते हैं वो इससे ठीक हो जाते हैं, और ये बहुत टेस्टी शरबत है। मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें कि फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।